रिवीजन ऑफ एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड। पानी पी लेता हूँ मैं, ठीक है? थक गए ना तुम भी, थक जाते हो तुम, है ना? चलो तो दोस्तों, रिवीजन ऑफ एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड, इसका मतलब क्या है? देखो, हम क्या करते हैं ना, अपने देश के अंदर में हम एयर क्वालिटी को मॉनिटर करते हैं, शहरों में खास तौर पे, जो हमारी वायु की गुणवत्ता है उसके लिए हमने अलग अलग पैरामीटर बना रखे हैं, है ना? 12 पैरामीटर, जैसे हमारी एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI है, नेशनल एम्बियंट एयर क्वालिटी इंडेक्स है हमारा, है ना? उनके अंदर हमने अलग अलग पैरामीटर रख रखे हैं कि हम इन इन चीज़ों को हवा में चेक करेंगे कि हवा में इनकी मात्रा कितनी है, उसमें PM पार्टिकुलेट मैटर, पार्टिकुलेट मैटर और गैसियस पोल्यूशन दोनों हम उसको काउंट करते हैं, और उनके आधार पर हम ये देखते हैं, उनके आधार पर हम ये देखते हैं कि एयर क्वालिटी हमारी कैसी है, ठीक है? कोई बात नहीं। अब WHO ने बोला है कि यार, ये जो तुम्हारे पैरामीटर थे, ये सब पुराने टाइम में हमने सेट किए, जैसे हमने 2009 में सेट किया था, 2009 के अंदर 2022 के अंदर फर्क आ गया है। उस समय जो हम गाड़ियों में फ्यूल यूज़ करते थे वो अलग किस्म का होता था, उस समय के पॉल्यूटेंट्स हो सकते हैं अलग किस्म के होते थे, आज के पॉल्यूटेंट अलग किस्म के हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अपडेट करना पड़ेगा अपने पॉल्यूटेंट जो होते हैं उनके स्टैंडर्ड्स को अपडेट करना पड़ेगा। ये हमें लगा है, अभी हमने सोचा है कि नहीं यार, अब तो स्टैंडर्ड्स को अपडेट करना पड़ेगा, पॉल्यूटेंट स्टैंडर्ड्स हैं उनको बदलना पड़ेगा, और इसीलिए हमने एक टीम भी बना दी है, IIT कानपुर के नेतृत्व में एक ज्वाइंट टीम बना दी है, जो भारत के अंदर में जो पॉल्यूशन स्टैंडर्ड्स हैं उनको हम रिव्यू करेंगे, क्योंकि बदलते समय के साथ में आवश्यक है दोस्तों कि उनको क्या किया जाए, बदला जाए। तो IIT कानपुर के अंडर में ना, जो हमारा नेशनल एयर क्वालिटी एम्बियंट एयर क्वालिटी इंडेक्स है, उनको देखने के लिए हमने एक टीम जो है उसको गठित कर दिया, और बहुत जल्दी जो है टीम अपनी स्टडी के साथ, अपनी रिपोर्ट के साथ में हमारे सामने आएगी, तब देखते हैं क्या आता है, ठीक है? तो यही टॉपिक है, रिविजन ऑफ एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। सो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है दोस्तों कि जो हमारा एग्जिस्टिंग स्टैंडर्ड्स हैं जिससे हम एयर क्वालिटी को गवर्न करते हैं, उन स्टैंडर्ड्स को हम क्या करेंगे दोस्तों, चेक करेंगे, नए पैरामीटर्स भी इंक्लूड करेंगे, हम विल ऑल्सो इनकॉर्पोरेट द न्यू पैरामीटर, जो हमारी एडवांस साइंटिफिक रिसर्च है, ठीक है, उसको हम ऐड करेंगे, उससे हम डेटा गैदर करेंगे, एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस के रूप में, ठीक है? तो ये भारत सरकार ने बोला है, गवर्नमेंट हैज़ नोटिफाइड नेशनल एम्बियंट, जैसे ये है ना नाक्यूस, है ना? तो इसमें हमने 12 पॉल्यूटेंट जिक्र किए हैं, 12 प्रदूषक हैं जिनके आधार पर हम रिपोर्ट बनाते हैं, बट ये हमने 2009 में किया था। अब ज़रूरत है एडवांस करने की कुछ, ठीक है, आज के हेल्थ स्टैंडर्ड को देखते हुए, आज के एनवायरनमेंट को देखते हुए, इसीलिए हम इसको रिव्यू करने वाले हैं। क्यों भाई, आज जो है हमारा फ्यूल बदल गया भाई, तेल हम उस टाइम पे हम पता नहीं जो है जो फ्यूल यूज़ करते थे वो भारत स्टेज 2-3 का यूज़ करते थे, आज हम जो फ्यूल यूज़ करते हैं वो BS6 का यूज़ करते हैं, है ना? तो फर्क आ गया, पहले सल्फर कंटेंट ज़्यादा होता था, अब हमारे तेल में सल्फर कंटेंट कम है ना? तो वो चीज़ है, पहले PM पार्टिकुलेट मैटर कम होता था, आज ज़्यादा है। तो आज की जो बदलते हुए फ्यूल के अनुसार, बदलती तकनीक के अनुसार, बदलते लोगों के अनुसार दोस्तों, हमारे जो पॉल्यूशन के जो मीज़र करने के तरीके हैं उनमें भी एडवांसमेंट आना चाहिए, बदलाव आना चाहिए, हमारी टेक्निक बदलनी चाहिए, हमारे जो रिस्क और एक्सपोजर को इवैल्यूएट करने का तरीका है वो बदलना चाहिए दोस्तों। और इसीलिए दोस्तों हमने क्या किया है, हम सोच रहे हैं कि अपना ये जो हमारा नेशनल एम्बियंट एयर क्वालिटी जो स्टैंडर्ड होता है उसको हम दोबारा रिव्यू करेंगे। इसके लिए हमने टीम बना दी है दोस्तों, और एक ज्वाइंट टीम बनाई है जो IIT कानपुर जो है उसको क्या करेगा दोस्तों, लीड करेगा। और हमने ये भी सोचा है कि समय समय पर हम इसका रिवीजन करते रहेंगे, ठीक है, ताकि जो ऐसे पॉल्यूटेंट जो हमारे हेल्थ के ऊपर नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं उनसे हम बच सके, ये हमने सोचा है। अभी जो हमने सोचा है ना, हमने ऐसे ही अपने से नहीं सोचा, WHO की नोटिफिकेशन आई है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की, उसने बोला है कि पॉल्यूशन को ध्यान रखना चाहिए, हमें हेल्थ रिस्क को असेस करते रहना चाहिए, और ये चीज़ें हमें समय के साथ बदलती रहनी चाहिए, क्योंकि टाइम के साथ साथ ये जो पॉल्यूटेंट्स हैं ये भी बदल रहे हैं, ठीक है, तो उनको क्राइटेरिया को भी हमें बदलता रहना चाहिए। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने माना है दोस्तों कि जो एयर क्वालिटी है, इनकी गाइडलाइन जो है, हमने अभी लेटेस्ट लॉन्च की है सितंबर 2021 के अंदर में WHO ने, कि भैया अब आपकी जो एयर क्वालिटी है वो इन पैरामीटर के ऊपर आपको तय करना है। तो उसके आधार पर ही हमने सोचा है कि ठीक है, एक टीम गठित कर देते हैं और अपने एयर क्वालिटी इंडेक्स को भी दोबारा से क्या करते हैं, रिव्यू करते हैं, जाँच करते हैं। द गाइडलाइन मेक्स रिकमेंडेशन फॉर एयर क्वालिटी लेवल्स टू प्रोटेक्ट हेल्थ ऑफ द पॉपुलेशन, ठीक है, ये ध्यान रखना है।
तो इसमें सारी बातों को बोला गया कि भैया आपको इकोनॉमिक स्टेटस, नेशनल गोल, साइंटिफिक रिसर्च, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, इन स्टैंडर्ड्स को ध्यान में रखते हुए आपको एम्बियंट एयर क्वालिटी को तय करना है। ये बात आपको समझ में आई या नहीं आई? फटाफट जल्दी बताओ, फटाफट बताएंगे सारे के सारे बच्चे। समझ में आ रहा है? ओके की रिपोर्ट करेंगे। नए बच्चों से रिक्वेस्ट रहेगा वीडियो लाइक शेयर करें, पुराने बच्चों से रिक्वेस्ट रहेगा आपस में टेलीग्राम चैनल और मेल आईडी आपस में शेयर करते रहें ताकि मेरे से संपर्क कर सकें, और साथ ही साथ में जो है मेरा पीडीएफ जो है और टाइम टेबल जो है आपको मिल जाएगा। एंड साथ ही साथ में दोस्तों देखो, मेरे साथ जुड़ के आप प्लस कोर्स भी कर सकते हो। प्लस कोर्स करने के लिए दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, ये जीएस का प्लस कोर्स है। तो यहाँ पर आप प्लस और आइकॉनिक दो प्रकार के सब्सक्रिप्शन जो है आप यहाँ पे ले सकते हो दोस्तों, प्यारे बच्चों। ये आपके सब्सक्रिप्शन का प्राइस है 6 महीने, 1 साल 2 साल 3 साल, ठीक है। ये इधर है आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन है 1 साल 2 साल और 3 साल का, ले सकते हो। कोड आपका क्या रहेगा? सुमित10। तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, पीडीएफ यहाँ दे दूंगा मैं, साथ साथ ये अपना कोड है, ठीक है। इसको यूज़ करना है टू गेट द 10% ऑफ इन अकेडमी। आई होप यू लाइक द सेशन, यू एंजॉय द सेशन। सो गाइज प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर इट एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, लव यू गाइज।